So good morning, students. Let's continue with the exercise 14.3. Yesterday we learned how to make the bar graph, how to make the histogram, right? How to make the histogram when the class intervals are not continuous. So I hope you have done that question. हाँ जी बेटा, ये बनाया था इंस्टाग्राम पर जाके? रेणुका कल क्लास में थे, ऑनलाइन क्लास में थे, आपको समझ आया ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाते हैं क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस? बताओ जरा, अगर क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस नहीं होते, 126 ये शुरू होता है, आप बोलो मत, ये होता है 126 से खत्म, ये होता है 127 से शुरू। हम क्या सीख, हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाना होता है? हिस्टोग्राम वी कैन मेक व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस। कुछ पता है, कुछ याद है? लाइक 0 to 10, 10 to 20 ऐसे होते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। सो व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस? यस रेणुका, नहीं पता क्लास? हाँ तुझे, तू तो बार बार आ जा रही थी। हाँ जी अखिलेश, यू टेल मी हाउ टू मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, देन। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अखिलेश कितने हैं क्लास में? उसके बाद अखिलेश क्या करना है? उनको ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बेटा। जिस बच्चे को ये नहीं पता है दैट व्हाट हाउ टू मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, इट इज वेरी बैड। इट इज बैड फॉर योरसेल्फ, राइट? आपके खुद के लिए ये बुरा है। व्हाट यू हैव टू डू, आई एम अगेन टेलिंग यू, यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ वन इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। जो डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसको इसमें से माइनस, इसमें प्लस। लाइक द डिफरेंस हियर इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इज हाफ, दैट इज 0.5। सो यू विल सबट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड यू विल ऐड 0.5 इन द अपर लिमिट एंड देयर बाय योर क्लास इंटरवल्स विल गेट कंटीन्यूअस। Now come to question number 5. The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. Now see, represent the given information with the help of histogram. Obviously class intervals are given, so we will make the histogram. ठीक है, अब देखिए बेटा, सब देखो इसमें क्या class size same है? 3 to 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9,000. Now this is simple, nothing to do in this histogram because the class size is same and also they are continuous. Shall I rub it? So beta, see the 5th question. Just look on the board, don't make. This is very simple, I will just tell you once, you can make it yourself. It is 300 to 400, so you will start from 100. No need, 300. No need to start from 100, 200. Zarurat hi nahi hai. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and 1000. In every box, the difference is of 100, and here the difference is of 200, 300. So we will put a king. ठीक है? Then frequency. See the frequency, number of lamps. Minimum number is 14 and maximum number is 86. So what difference we will take? Yes.
जब डिफरेंस ज्यादा है तो आपने सीधा कितना लेना है, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. 856 है तो 90. 300 टू 1400 कितने लैंप्स हैं, 14. Why are you late Delhi? रोड बन रही है तो जल्दी निकलो फिर थोड़ा सा, क्या आपके लिए वेट करें. चलिए 400 टू 500 इज 56, दिस इज 55, दिस इज 56. Like this. Is it clear? नोट करना चाहते हो थोड़ा सा तो नोट कर लो बेटा. You will complete the histogram yourself, right? And then what about the scale? On y-axis, 10. हाँ ये क्या है, number of lamps. And what is this? This is time in hours. This is time in hours. So on y-axis, 10 small division is equal to 10 lamps. And on x-axis, 10 small division is equal to 100 hours. जब बार ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि बार ग्राफ में नीचे हम नंबर्स नहीं ना लेते, जो चीज होती है उसको बॉक्स में लिख देते हैं. जब इंटरवल्स लिए हैं, जब हिस्टोग्राम बनाना है तो दोनों एक्सिस का स्केल लिखना, ठीक है. आरजू समझ आ गया बेटे? एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क. इसका क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स. मोर देन 700, तो 700 से आगे वाले सारे लैंप्स को आप प्लस कर दोगे. सेकंड पार्ट का आंसर है 74 प्लस 62 प्लस 48, 7110, 184 नहीं आ रहा. कितना है, 62 प्लस 8 70, 70 प्लस 40 110, 110 184 आई थिंक, इज इट. कौन सी नहीं लिखी? हाँ वो आपने खुद बनाना बेटा, मैंने आपको बता दिया कैसे क्लास इंटरवल लेनी है. अब आपको उसके बाद 60 कहाँ प्लॉट करना है आपको पता है, 86 कहाँ करना है पता है, ठीक है. उस तरह से आप बना लोगे, इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल है ही नहीं. एनी डाउट? नो डाउट, फाइन. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा, उसमें बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल वाला तो किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. और हिस्टोग्राम आएगा तो डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा. जैसे इन्होंने सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात कर दी ना, तो आपको सिंगल सेक्शन का आएगा, डबल का नहीं आएगा. क्रॉस लगा दो, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं आना. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ऐसे ऐसे बनता था, ऐसे पहले डॉट लगा के एक ग्राफ, फिर दूसरी जगह डॉट लगते थे तो ऐसे दूसरा ग्राफ. तो इसलिए ये डबल सेक्शन है, बट वो है नहीं, लाइन ग्राफ जैसे बनती है. हाँ जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं करना. बट ये देखो, मान लो कि सेवन क्वेश्चन ही देखिए बेटा, एवरीवन
सेवेंथ क्वेश्चन में हम हाफ को ये करेंगे इतना, टीम ए के लिए सुन लो प्लीज, टीम ए के लिए करेंगे, टीम बी के लिए नहीं, मतलब अलग अलग होगा, दो टीम है ना, एक टीम के लिए हिस्टोग्राम बनाते हैं, आप समझ लो, बनाओ मत। जैसे इसमें देखो क्लास इंटरवल ये है 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, और मान लो फ्रीक्वेंसी आती है ऐसे ही 2, 1, 8 सो ऑन, ठीक है। तो आपने देखा 6 minus 1, 5, 12 minus 7, 5, 18 minus 13, 5, सब में डिफरेंस 5 आएगा, क्लास साइज विल बी 5, बट यू कैन सी द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस, सो इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस वी हैव टू मेक इट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। वी विल सी द डिफरेंस, डिफरेंस इज 1, 1 ओवर 2 इज 0.5, इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे, 0.5 मतलब 1 माइनस 0.5, 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5, 12.5 to 18.5, and 2. Fine. Now the last two questions, question number 8 and question number 9, very important question. Everyone, see in your book. इसमें देखो बेटा क्लास इंटरवल्स 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 कॉन्टिन्यूस है, यस कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, बट यू कैन सी हियर द क्लास साइज इज नॉट सेम, सो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन इन विच द क्लास साइज इज नॉट सेम, सो द क्वेश्चन इन विच द क्लास साइज इज नॉट सेम यू हैव टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, कैसे करेंगे देखो, इधर सबसे पहले टेबल बनाएंगे उसके बाद ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 8, एज स्टार्ट राइटिंग, ये हमारे क्लास इंटरवल गिवन है, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बेटा हमने क्या लिखना है यहां पर, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इधर देखो, वन मिनट, ये फॉर्मूला वहां ऊपर भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की बात कर रहे हैं हम, जिस हर एक की ना फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है मान लो इस क्लास की करने लगे हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इनटू मिनिमम क्लास साइज, just 1 minute. So frequency over class size into minimum class size. मतलब
व्हाट इज द मिनिमम क्लास साइज? मिनिमम क्लास साइज मींस, ये देखो बेटा ये फॉर्मूला लिख लो, मिनिमम क्लास साइज, इसका क्लास साइज क्या है ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लिख भी सकते हो आप, इसका क्लास साइज ऑरली भी कर सकते हो बेटा, लिख भी सकते हो, क्लास साइज कितना है, 1, 3 minus 2, 1, 5 minus 3, 2, 7 minus 5, 2, 10 minus 7, 3, 15 minus 10, 5, 17 minus 5 is 2. This is the class size of every class interval. ठीक है? So, what is the minimum class size? सबसे छोटा नंबर क्या है? 1. So, our minimum class size is fixed. That is 1. Now, we will apply this formula to adjust the frequency. Everyone, please pay attention on the board, बच्चे. Frequency क्या है इसकी? 5 over class size. What is its class size? 1 into minimum class size is 1. आप लिख सकते हो यहां पर formula लिख सकते हो और यहां पर लिख सकते हो minimum class size is 1. ध्यान से करनी है adjust frequency. 5 over जो इसका क्लास साइज है वो बाय चांस ही 1 है, इनटू द मिनिमम क्लास साइज, सो आंसर विल बी 5. नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 3 ओवर, व्हाट इज इट्स क्लास साइज? 1 मल्टीप्लाई मिनिमम क्लास साइज, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 इज फिक्स्ड, राइट? मल्टीप्लाई बाय 1 इज फिक्स्ड, ये भी कितना आ गया? 3. Now, frequency is 6 and the class size is? So, answer is 3. Then, 12 over. What is the class size? 2. So, the answer is 6. Then the frequency is 9 and the class size is 3. So again the answer is 3. Frequency is 10, class size is 5 into 1. So answer is 2. Frequency 4, class size 2 into 1. So this is 2. So this is, we have adjusted the frequency. अब जो हमने हिस्टोग्राम बनाना है वो इस क्लास इंटरवल और ये और जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इसको लेके बनाना, ठीक है? We will forget this frequency. Now we will see the adjusted frequency. क्योंकि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं थे, ठीक है? एज इन ईयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1 से लेके 2 तक कितने चिल्ड्रन है जिनकी एज 1 to 2 है, 5. 2 से 3, 3, 3 to 5, 6 means जो डेटा कलेक्ट किया वो मतलब कंटिन्यूअस नहीं था, तो हिस्टोग्राम जब बनाते हैं उसमें कंटिन्यूअस डाटा चाहिए होता है. क्या कंटिन्यूअस नहीं है? जब कंटिन्यूअस हाँ तो कोई बात नहीं ना, कंटिन्यूअस नहीं है. अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, जब क्लास साइज सेम नहीं है ना बेटे, तो उसको कंटिन्यूअस बनाकर कुछ नहीं कर सकते हम. इसमें देखो वन, ये क्योंकि कंटिन्यूअस तो है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7. क्या ये फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी में तो अलग अलग नंबर आते हैं. बात समझ में आ गई? दो चीजें हैं, पहली कोई बात नहीं, अलग अलग साइज के डिब्बे बनेंगे अब, कोई ब्रॉड विड्थ ज्यादा, क्योंकि दो करते हैं आगे, इतना नोट करो. दो बातें हैं, अगर तो कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको कंटिन्यूअस बनाना, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्लास साइज सेम होगा. सीधी सी बात है, दोनों में दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती,
कि क्लास साइज भी अलग हो और कॉन्टिन्यूस भी ना हो, ठीक है। एक चीज होगी, अगर वो अगर क्लास साइज सेम है तो शायद कंटिन्यूस ना हो, तो हम कंटिन्यूस बनाते हैं। वो इजी है, वो सिंपल है, माइनस करो उतना डिफरेंस डिवाइड बाय टू माइनस प्लस, और फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना। ये डिफरेंट है और थोड़ा सा सोच कर करने वाला, क्योंकि ये भूल जाते हैं किससे डिवाइड करें किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। साथ में आप एक कॉलम बना सकते हो क्लास साइज का भी, उससे भी कंफ्यूजन नहीं होती, ये छोटा बनाया आप बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सबने बना लिया, लिख लिया है वंशिका, आपने लिखा है अभी, क्योंकि क्लास साइज सेम नहीं था, साइज भी सेम होना चाहिए। डेटा की जो तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की ना बेटे, सेम नहीं आया। इसका मतलब ये था कि ये जो हमारा जो इन्होंने कलेक्शन की पहले वन ईयर एक क्लास साइज के डिफरेंस से डेटा कलेक्ट कर लिया, मतलब ये डेटा गलत था, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया ना, दिस इज द करेक्ट डेटा, ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज नोटेड दिस, एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क देन, आई विल रब दिस। आपने बनाया है, ये लिखा है रेजा, आप पढ़ना नहीं चाहते हो ना, लिखा नहीं बेटा, कुछ लिखते ही नहीं हो, ये तो मैंने किया है, हमें ये नहीं है कि आप लिखो, अब आप बड़े हो गए हो। एनी डाउट बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बनाए फिर हिस्टोग्राम, ओके। जिसने टेबल बनाया कॉपी में वो कॉपी दे दे बच्चा मुझे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। नाउ वी नो वी हैव टू टेक द क्लास इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस। ये कहां तक है, 17 तक। तो आप 1, 2, 3, अब 3 के बाद जैसे 3 to 5 है, तो ये नहीं कि 4 मिस कर देना है, फिर 0 नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 17 है, आप 2, 2 का डिफरेंस भी ले सकते हो, इसमें 2, 2 का डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर ऐसे बनाएंगे तो पूरा 17 बॉक्सेस नहीं आएंगे, फिर ग्राफ को उल्टा करना पड़ेगा। तो why not, let's say the difference of 2, 2, यहां by chance 17 है, मान लो 32 तक हो, तो 32 boxes तो होते ही हमारे graph में। So what we will do, we will take the difference of 2, 2. And now it is our wish, we can, 1 है तो 1 से करना, 1 तो लेना, अब हमारी मर्जी है हम 1 odd ले या even ले, कुछ समझ आ रहा है दिव्यांशी, नहीं आ रहा, 2, 2 का डिफरेंस है, ये समझ आ रहा है, हम 2, 2 का डिफरेंस लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये समझ आ गई बात, हमने 2, 2 का डिफरेंस लिया, बात खत्म। फ्रीक्वेंसी में क्या है, मैक्सिमम नंबर हमारा है 6, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या क्या नंबर आए हैं दिव्या, नहीं पहला नंबर 5 है, मैक्सिमम नंबर 6 है ना, तो y एक्सिस पे क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, that's it, no kink, सब में 2, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का, सब में 1, 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1। Now we will make our histogram, 1 से 2 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, अब हमारा 1 कहाँ है, दिव्यांशी कहाँ है, 0 और 2 के बीच में, ये है मेरा 1, 1 से 2 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5,
छोटा पतला सा बॉक्स बनेगा। टू से थ्री में फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाँ जी, थ्री मेरा कहाँ है, ये रहा। तो वैसे क्या था, सारे ना ऑड नंबर्स हैं। इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि सारे ना ऑड नंबर्स हैं, तो हम क्या कर सकते थे, इधर देखो। हाँ इधर देखो, कैसे बोर्ड पे देखिए बेटा, उसमें ना फिर ये छोटे छोटे बीच में नहीं करना पड़ता। वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन, क्योंकि सारे ऑड दिखे, ऑड है। वन टू थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव टू सेवन, ऐसे। अब सब में डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस कितना है, कितना है, तो इंक लगा दो। चाहे टू का डिफरेंस लेके बीच बीच में बॉक्सेस बना दो, चाहे वन का डिफरेंस, वन से शुरू करके टू टू का डिफरेंस। अब सीधा सीधे बॉक्सेस बनेंगे। वन से टू में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फाइव, ये रहा हमारा वन, और ये सेंटर में टू। एक बार फिर टू से थ्री में फ्रीक्वेंसी है थ्री, ये रहा टू। इसी में है छोटा, बाकी में देखना। नाउ थ्री टू फाइव फ्रीक्वेंसी इज अगेन थ्री, ये रहा थ्री, ये रहा फाइव। फाइव टू सेवन फ्रीक्वेंसी इज सिक्स, फाइव टू सेवन में सेवन टू टेन में फ्रीक्वेंसी थ्री, फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है, आई एम टेलिंग यू। सेवन टू टेन में, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी इज थ्री, ये है सेवन, ये रहा टेन, फ्रीक्वेंसी इज थ्री। द विड्थ ऑफ द क्लास साइज आर डिफरेंट, यू कैन सी। 10 टू 15 में फ्रीक्वेंसी इज 2, एंड 15 टू 17 में अगेन 2। दिस इज द हिस्टोग्राम, दिस इज व्हाट एज इन इयर्स, एंड दिस इज number of children, scale on y axis, 10 small division is equal to one child, on x axis 10 small division is equal to 2 years. हाँ जी धीरेन बोलो। मैम वो एक्स एक्सिस पे किंग का यूज क्यों किया है? बेटा ये इसमें डिफरेंस कितना है? 3 माइनस 1 मैम 1 ओ मैम 2 2 5 माइनस 3 2 7 माइनस 5 2 1 माइनस 0 मैम 1 सब में 2 2 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का, तो किंग लगाया है। ये जरूरी नहीं होता कि सब में कम डिफरेंस है और यहाँ ज्यादा है तो किंक लगाना, नहीं, सब में कोई और डिफरेंस है कम या ज्यादा और यहाँ डिफरेंट है तो किंक लगाते, ठीक है? तो प्लीज मेक दिस क्वेश्चन इन फेयर, डू इन फेयर, ग्राफ खुद बनाओगे और पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सिंपल सिंपल हिस्टोग्राम आपको नहीं देंगे बनाने के लिए, ठीक है? Always this type of question will come in which either the class interval are not continuous or the class size is different in which you have to adjust the frequency. Right, beta? So all right, do this question in fear. Take care.